नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हाय, सत श्री अकाल, सलाम। आज मैं आपको नाउन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। नाउन क्या है? नाउन मीन्स संज्ञा। जैसा कि हम जानते हैं कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा गलत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि किसी जानवर का नाम टॉमी है, टफी है या एनी नेम, तो ये भी नाउन के अंतर्गत ही आ गया। क्योंकि नाउन एक जीवित प्राणी है, सजीव वस्तु है, सजीव है, इसलिए हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी जीवित प्राणी, जानवर हो, गाय, बछड़ा, काऊ, डॉग, एनीथिंग, दोज आर लिविंग। सिंस चाइल्डहुड वी हैव बीन टॉट दैट ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। दिस डेफिनेशन इज नॉट इनकरेक्ट, बट वी नीड टू नो अ लिटिल मोर, इवन इफ फॉर इंस्टेंस वी अज्यूम दिस डेफिनेशन इज करेक्ट, देन व्हाई इज द नेम ऑफ ए डॉग और एनी एनिमल फॉर दैट मैटर कंसिडर्ड ए नाउन। द फैक्ट इज नेम ऑफ एनी क्रिएचर इज ए नाउन, बी इट ए ह्यूमन और एन एनिमल। सिमिलरली लव इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज नॉट ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। देन व्हाई डू वी टेक इट एज ए नाउन, देयर आर लॉट ऑफ मेनी एग्जाम्पल्स एज सच। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि संज्ञा के भी अनेक प्रकार होते हैं। पहला टाइप में बताता हूँ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए क्रिएचर, क्रिएचर मीन्स लिविंग थिंग, प्लेस और थिंग, सच एज राम। राम क्या है? नेम ऑफ ए क्रिएचर। टफी नेम ऑफ ए क्रिएचर मीन्स डॉग्स नेम। देहरादून इज द नेम ऑफ ए प्लेस। पार्कर पेन नेम ऑफ अ थिंग। ऊषा फैन नेम ऑफ अ थिंग। तो ये लिविंग थिंग्स जितने भी हों, लिविंग थिंग्स आर नोन एज ए क्रिएचर ऑफ गॉड, उनके नाम को हम संज्ञा के रूप में पहचानते हैं। सेकेंड थिंग इज कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जैसे जातिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु की जाति के बारे में बताता है, इसको कॉमन नाउन, इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन डिनोट्स द क्लास ऑफ ए क्रिएचर, प्लेस और थिंग। चलिए समझे। मान लो आपके पास दो मोबाइल हैं, एक मोबाइल है सैमसंग का और दूसरा नोकिया का। इनमें समानता क्या हुई कि दोनों मोबाइल हैं। सपोज देयर आर टू मोबाइल्स, वन इज नोकिया एंड अनदर वन इज सैमसंग्स। व्हाट इज द कॉमन इन बोथ? दे आर मोबाइल। सो मोबाइल इज ए कॉमन नाउन। माना आपके सामने दो लड़के खड़े हैं, एक राम है और दूसरा राजू। दोनों में समानता क्या है? तो आपने समझा कि दोनों समानता क्या है, दोनों लड़के हैं और लड़का एक कॉमन नाउन है। इन दोनों की जाति एक है, यानी दोनों कॉमन है। तो इसलिए कैसे हैं? सपोज देयर आर टू बॉयज, राम एंड राजू। व्हाट इज कॉमन इन बोथ? दे बोथ आर बॉयज। सो बॉय इज ए कॉमन नाउन। माना आपके पास तीन पंखे हैं, एक पंखा उषा का है,
दूसरा खेतान का है, तीसरा हेवल्स का है। तो इन सब में कॉमन क्या चीज़ है? कॉमन है फैन, तीनों फैन है, यानी तीनों पंखे हैं। देर आर थ्री फैंस, वन इज उषाज, सेकेंड वन इज खेतांस एंड थर्ड वन इज हेवल्स। वट इज कॉमन इन देम? दे ऑल आर फैंस। सो फैन इज ए कॉमन नाउन। अब मैं बताता हूं चौथा एग्जाम्पल। अगर कोई तीन राज्य हैं, जैसे मान लो यूपी, हरियाणा, एमपी, ये तीनों राज्य हैं। तीनों राज्य में कॉमन क्या है? राज्य हैं, स्टेट हैं। लेट्स थिंक अबाउट दीज स्टेट्स सच एज यूपी, हरियाणा एंड बिहार। व्हाट इज कॉमन इन दीज? दीज ऑल आर स्टेट्स, राज्य हैं। सो स्टेट इज ए कॉमन नाउन। अगला टाइप होता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा प्राणियों के जगहों के या वस्तुओं के समूह को दर्शाता है, एक ग्रुप को दर्शाता है। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेसेस और थिंग्स। जैसे पीपल, पीपल माने कई लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। क्राउड, क्राउड क्या है? इसमें भी कई लोग होते हैं, उनका एक समूह होता है, उसको क्राउड कहते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। बैच, कई विद्यार्थियों के समूह, यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। टीम, कई खिलाड़ियों का समूह, यानी ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। बंच, बंच माने गुच्छा, इसको क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ ग्रेप्स। फैमिली, फैमिली में क्या होता है? परिवार है, इसमें क्या क्या होंगे? ग्रुप ऑफ मेंबर्स, परिवार के सदस्य होंगे, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। तो ये कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक, समूह जिसमें कलेक्टिव, एक कलेक्टिव माने एक साथ वाला, समूह, समूहवाचक संज्ञा। तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर अदर एग्जांपल्स आर, इसके दूसरे एग्जांपल और हैं, मैं बताता हूँ। जिसे आर्मी, क्लास, कमिटी, काउंसिल, डिपार्टमेंट, सोसाइटी, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, ऑडियंस, ज्यूरी, कंपनी, कॉरपोरेशन एसेट्रा एसेट्रा। तो ये भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव माने एक, कई लोगों का समूह है इसमें। चौथा हो गया मटेरियल नाउन, जिसको कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा किसी भी पदार्थ का नाम होता है, किसी भी पदार्थ का नाम होता है। पदार्थ माने मटेरियल। मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ मटेरियल। जैसे सोना यानी गोल्ड, चांदी यानी सिल्वर, तांबा यानी कॉपर, ग्लास यानी शीशा, लकड़ी यानी वुड, पत्थर यानी स्टोन। अब मैं पांचवा नाउन बताऊंगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट माने भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम छू या देख नहीं सकते, जिसे हम छू या देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस करेंगे, यानी मन से करेंगे या दिमाग से करेंगे, केवल महसूस करेंगे, मगर देख और छू नहीं सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग दैट वी कांट टच और सी, जिसे हम छू और देख नहीं सकते। वी कैन ओनली फील इट, हम केवल इसे महसूस करते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ पर्सन कांट फिजिकली इंटरेक्ट सच थिंग्स। वी कांट सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट दीज नाउन्स। हम इनको ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना गंध ले सकते हैं, ना उनका स्वाद ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, प्यार, लव,
चोरी थेफ्ट, हेट घृणा, टाइम वक्त या समय, सोच थिंकिंग, भावनाएं फीलिंग्स, मैथमेटिक्स गणित, उम्मीद एक्सपेक्टेशन एसेट्रा एसेट्रा। आपके मन में शायद ये सवाल आया होगा कि लव तो एक क्रिया है, जैसे आई लव यू, मैं प्यार करता हूँ, लव तो एक क्रिया है, फिर ये भाववाचक संज्ञा कैसे कह सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया व संज्ञा दोनों की तरह प्रयोग किए जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों तरह प्रयोग किए जाते हैं। लव भी उनमें से एक है। लव के दो मतलब होते हैं, एक का मतलब होता है प्यार, दूसरे का मतलब होता है प्यार करना। पहला वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो दूसरा वाला क्रिया है, प्यार करना क्रिया है और प्यार यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि दूसरे वाले में करना का प्रयोग किया गया है, जिससे ये पता लगता है कि किसी काम को करने की बात हो रही, जैसे प्यार करना तो ये लव क्रिया होगी, प्यार एहसास है, तो ये क्या है, ये नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्यार करना एक काम यानी क्रिया है और प्यार एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यू मस्ट बी थिंकिंग दैट लव इज ए वर्ब, देन हाउ कम इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंग्लिश में बता रहा हूं मैं, लेट मी टेल यू, देयर आर ए फ्यू वर्ड्स विच कैन फंक्शंस एज नाउन्स इन सम केसेस एंड वर्ब इन अदर केसेस, लव इज वन ऑफ देम। लव इज लाइफ, फॉर एग्जाम्पल लव इज लाइफ, प्यार ही जिंदगी है। यहां पर लव एक भाववाचक संज्ञा है, यहां पर लव एक भाववाचक संज्ञा है, लव एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, यहाँ पर लव एक क्रिया है, लव एज ए वर्ब। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट या तो संज्ञा होगी या फिर सर्वनाम होगी, मैंने बताया नाउन या प्रोनाउन, किसी भी वाक्य में या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा, यानी या तो वर्ब होगा या सॉरी या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। इन ए सेंटेंस सब्जेक्ट इज आइदर ए नाउन और ए प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल से मैं बताता हूं, सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक सेंटेंस हो गया, सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां सब्जेक्ट क्या है, यहां सब्जेक्ट है सक्सेस, ये कोई सर्वनाम तो है नहीं, इसलिए संज्ञा ही हो सकती है, सर्वनाम नहीं है तो संज्ञा होगी। अब मुद्दा यह है कि कौन सी संज्ञा है, सक्सेस कौन सी संज्ञा है, यह न किसी व्यक्ति वस्तु या जगह का नाम है, न कि व्यक्ति का नाम है, न वस्तु का नाम है, न जगह का नाम है, न कोई इसकी जाति है, न कोई समूह है और न कोई इसका पदार्थ है, तो फिर है क्या। अरे हाँ, सक्सेस को हम छू नहीं सकते ना देख सकते हैं, तो साफ है ये भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन एबव एग्जांपल सब्जेक्ट इज सक्सेस, एज पर द रूल सब्जेक्ट कैन आइदर बी ए नाउन और ए प्रोनाउन, सिंस इट्स नॉट ए प्रोनाउन इट्स ए नाउन, देन नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच नाउन इज, इट इज नॉट ए नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, इट्स नाइदर क्लास नाइदर ग्रुप नॉर ए मटेरियल, देन व्हाट इट इज, ओ यस सक्सेस कांट बी टच्ड और सीन, इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट माने केवल इसे एहसास किया जा सकता है। दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं, राम मेरा दोस्त है,
राम इज माई फ्रेंड, तो यहां सब्जेक्ट क्या है? राम। ये कोई सर्वनाम तो नहीं है, इसलिए संज्ञा ही हो सकती है। अब मुद्दा यह है कि ये कौन सी संज्ञा है? ये एक व्यक्ति का नाम है, ये एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इन एबव एग्जाम्पल सब्जेक्ट इज राम। एज पर द रूल सब्जेक्ट कैन बी आइदर बी ए नाउन आर ए प्रोनाउन। सिंस इट्स नॉट ए प्रोनाउन, इट इज ए नाउन, देन नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच नाउन इज, व्हिच नाउन इट इज, इट इज ए नेम ऑफ अ पर्सन, सो इट इज ए, इट इज अ प्रॉपर नाउन, इट इज अ प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही इज माई ब्रदर। यहां सब्जेक्ट क्या है? ही एक सर्वनाम है, ही एक सर्वनाम है, एडवर्ब है। क्या है? प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन, नाउन संज्ञा, प्रोनाउन माने सर्वनाम, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। इन एवर एग्जाम्पल सब्जेक्ट इज ही। एज पर द रूल सब्जेक्ट कैन बी आइदर ए नाउन आर ए प्रोनाउन, इट्स अ नाउन, इट्स अ प्रोनाउन, इट्स नॉट ए नाउन, इट्स अ प्रोनाउन। नाउन जब होगा जब उसमें किसी का नाम होगा, प्रोनाउन जब होगा जब अतिरिक्त सूचना उसमें मिलेगी, यानी ही वो, ही मीन्स ही, यहाँ ही जो वर्ड है वो प्रोनाउन है, इट्स अ प्रोनाउन, इट्स अ प्रोनाउन। ईमानदारी मेरे खून में है, ईमानदारी मेरे खून में है, ऑनेस्टी इज इन माई ब्लड, ऑनेस्टी इज इन माई ब्लड। सब्जेक्ट क्या है? ऑनेस्टी। पहले उदाहरण की तरह ऑनेस्टी को ना छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, ये एक भावनात्मक संज्ञा है, भावनात्मक संज्ञा है। सब्जेक्ट इज ऑनेस्टी, जस्ट लाइक द फर्स्ट एग्जाम्पल, इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाई एनी ऑफ अवर फाइव सेंसेस, एनी ऑफ अवर, एनी वन ऑफ दी फाइव सेंसेस। हेंस इट इज क्लियर इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पढ़ना अच्छी आदत है, पढ़ना अच्छी आदत है, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना अच्छी आदत है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया? रीडिंग। आइए सोचें कि सब्जेक्ट संज्ञा है या सर्वनाम। ये जो रीडिंग है ये सब्जेक्ट है क्या, संज्ञा है या सर्वनाम? तो ये देखेंगे, ये ना तो सर्वनाम है ना ही ऊपर दी कोई भी संज्ञा है, तो आओ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, ये तो क्रिया है, रीडिंग माने पढ़ना तो लगेगा ये तो क्रिया है, लेकिन ध्यान से देखिए, रीड के साथ आई एन जी लगा दिया जाता है, इसे सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है। जब आई एन जी लगा दिया जाता है तो इसको सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है। हमने आपको बताया था कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा, या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। तर्क यह है कि अगर किसी क्रिया के आगे आई एन जी लगाकर उसे संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए तो उस शब्द को जेरेंड यानी क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं, उस शब्द को जेरेंड या क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं, जो कि हम बताने वाले हैं। सब्जेक्ट इज रीडिंग, इट्स नाइदर ए प्रोनाउन नॉर ए नाउन,
दैट वी हैव डिस्कस्ड अबव। यू माइट बी गेटिंग लिटिल कंफ्यूज बिकॉज, अब मैं अंग्रेजी में आपको बता रहा हूँ, बिकॉज रीड इज ए वर्ब, रीड इज अ वर्ब, बट यू मस्ट नोटिस दैट रीड इज अटैच्ड विद आई एन जी एंड यूज एज अ सब्जेक्ट। वी हैव टोल्ड यू दैट द सब्जेक्ट कैन आइदर बी ए नाउन और अ प्रोनाउन, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इट कांट बी ए वर्ब। द फैक्ट इज इफ अ वर्ब इज एडेड विद आई एन जी एंड यूज एज ए नाउन इन ए सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, दैट वर्ब इज कॉल्ड जेरंड, उसको जेरंड कहते हैं, जी ई आर यू एन डी, जेरंड। इट्स योर कमिंग टॉपिक, अब आपका ये कमिंग टॉपिक जेरंड क्या होता है, क्रियावाचक संज्ञा। अगर किसी क्रिया के आगे, अगर किसी क्रिया के आगे आई एन जी लगाकर उसे संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए तो उसे जेरंड यानी क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। इफ अ वर्ब इज एडेड विद आई एन जी एंड यूज एज ए नाउन इन अ सेंटेंस, दैट वर्ब इज कॉल्ड जेरंड। आओ आगे आपको बताते हैं पूरा एग्जाम्पल देकर के। जैसे आई लव यू, तो यहां लव जो है एक वर्ब है, यहां लव जो है एक वर्ब है, और दूसरे सेंटेंस को मैं बोलता हूं लविंग यू इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। लविंग यू माने आपसे प्यार करना, इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो यहां लविंग जेरंड हो गया। आई थिंक अबाउट देम, आई थिंक अबाउट देम, मैं उनके बारे में सोचता हूं, यहां थिंक वर्ब है मगर थिंक के साथ में आई एन जी जब जोड़ देंगे कैसे होगा, थिंकिंग सो मच, बहुत ज्यादा सोचना, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, थिंकिंग सो मच, यहां थिंकिंग जो है ये जेरंड हो जाता है, क्रियावाचक संज्ञा हो जाता है। आई रीड बुक्स, यहां रीड जो है वर्ब है, रीड वर्ब है मगर जब इसमें आई एन जी लग जाएगा, इसका दूसरा सेंटेंस देखें, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो रीडिंग को हम क्या हो गया, जेरंड हो गया। आई रन 5 किलोमीटर्स अ डे, मैं एक दिन में 5 किलोमीटर दौड़ता हूं, यहां वर्ब क्या हो गया, रन। अब जब जेरंड इसको कन्वर्ट करना है तो रनिंग डेली इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग क्या है, जेरंड हो गया। राहुल स्मोक्स, स्मोक क्या है, वर्ब है मगर इसको जेरंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज injurious to health, smoking is injurious to health, तो ये gerund हो गया smoking। noun भी कई तरीके के होते हैं, आइए noun के बारे में और बताता हूं। noun दो तरीके के होते हैं in another classification, दूसरा classification और है मैं आपके सामने बता रहा हूं। एक होगा countable noun, यानी जिसको गिना जा सके, गणनीय संज्ञा, जिसको गणनीय संज्ञा कहते हैं, जिसको गिना जा सके, दैट कैन बी काउंटेड, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन, बॉय, बुक, हेयर, स्टार, गर्ल, मैन, काउ, सिटी, पेपर एक्सेट्रा, ये सब गिनी जा सके। दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, अगर जिसे गिना ना लिखो, दैट कांट बी काउंटेड, एग्जाम्पल मिल्क, शुगर, ऑनेस्टी, दिल्ली, मनी, लव, हेट एक्सेट्रा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हेयर और स्टार तो अनगिनित हैं, इन्हें गिना नहीं जा सकता है, फिर इन्हें काउंटेबल नाउन क्यों कहा गया,
देखिए अनगिनत हैं इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, गिनना मुश्किल है पर असंभव नहीं है। गिन तो सकते हैं, कैसे गिनेंगे जबकि मनी अनकाउंटेबल है, उसको गिना नहीं जा सकता है। जैसे पैसे को हम गिन सकते हैं पर ध्यान दीजिए कि अंग्रेजी में मनी को हम एक मनी दो मनी या वन मनी टू मनी थ्री मनी नहीं लिख सकते, ये मनी अनकाउंटेबल है। यू मस्ट बी थिंकिंग, अब मैं इंग्लिश में बताता हूँ, यू मस्ट बी थिंकिंग दैट हेयर एंड स्टार आर नॉट पॉसिबल टू काउंट, इन फैक्ट काउंटिंग देम इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दे आर ह्यूज इन नंबर्स बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू काउंट देम। वी कैन काउंट देम लाइक वन स्टार टू स्टार थ्री स्टार, ऐसे गिन सकते हैं वन स्टार टू स्टार थ्री स्टार ऐसे काउंट हुए। ऐसे हेयर को भी वन हेयर टू हेयर थ्री हेयर फोर हेयर, दैट्स वाई दे कॉल्ड काउंटेबल नाउंस। सेकेंडली मनी इज एन इंग्लिश वर्ड विच इज कंसीडर्ड टू बी एन अनकाउंटेबल नाउन बिकॉज वी कांट से आई हैव वन मनी टू मनी थ्री मनी एसेट्रा, सो कांट काउंट इट इन नंबर्स। अब आगे और मैं नाउन को थोड़ा विस्तार दूंगा। नाउन जेंडर, नाउन में जेंडर कौन 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 से होते हैं, जैसे प्राणी हो गया तो उनमें प्राणियों के भी जेंडर होते हैं, जेंडर माने लिंग, तो मस्कुलाइन जेंडर माने पुल्लिंग, पुल्लिंग मस्कुलाइन जेंडर। इट डिनोट्स अ मेल, ये पुरुष जाति का बोध कराता है। फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग, इट डिनोट्स अ फीमेल। न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग, इट डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल बट नॉन लिविंग, ना मेल है ना फीमेल है लेकिन क्या है नॉन लिविंग है यानी निर्जीव है। मस्कुलाइन जेंडर का एग्जाम्पल क्या होगा, पुल्लिंग का बॉय अंकल ब्रदर जेंट्स एक्टर एसेट्रा। स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर का एग्जाम्पल क्या होगा, वुमेन गर्ल आंट सिस्टर लेडीज एक्ट्रेस कैट काउ इटिश। न्यूट्रल जेंडर के एग्जाम्पल क्या होंगे, बुक जो ना तो जिसमें जीव नहीं है, ना फेमिनाइन है ना मैस्कुलाइन है, तो ये न्यूट्रल जेंडर जिसे बुक पेन मोबाइल लैपटॉप चेयर एक्सेट्रा। अब मैं नाउन को और थोड़ा विस्तार देता हूँ, नाउन नंबर्स में वचन में कैसे होते हैं, तो ये दो तरीके होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर माने एक वचन प्लूरल माने बहुवचन। जब संज्ञा किसी एक प्राणी जगह या वस्तु का बोध कराए, सिंगुलर होता है, इट डिनोट्स वन क्रिएचर प्लेस और थिंग। प्लूरल में क्या होगा, इट डिनोट्स मोर देन वन क्रिएचर प्लेस और थिंग। सिंगुलर क्या एग्जांपल देखिए, रैट माउस टूथ ये सिंगुलर है, मैन यानी एक आदमी, वुमेन माने एक औरत, गर्ल माने एक लड़की, जबकि इसका बहुवचन रैट का बहुवचन रैट्स बहुत सारे चूहे, माउस का माइस बहुत सारी चूहिया, टूथ का टीथ प्लूरल, मैन का मेन प्लूरल, वुमेन का प्लूरल वुमेन, गर्ल का गर्ल्स प्लूरल हो गया, तो बहुवचन हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, द नाउन ऑलवेज एंडिंग विद एस,
नाउन हमेशा ऐसे नाउन होते हैं जिनमें एस आखिर में आता हो। ऐसे भी कई नाउन हैं जो हमेशा एस आखिर में आता है, लगेंगे वो प्लूरल है मगर होते एक्चुअल में सिंगुलर है। ऐसे कुछ नाउन भी होते हैं जिनके अंत में एस लगता है मगर वो बहुवचन नहीं होते हैं। देयर आर अ फ्यू नाउन्स विच ऑलवेज एंड विद एस बट दे आर ऑलवेज प्लूरल्स, लेकिन वो हमेशा प्लूरल्स होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सीजर्स एस लगा हुआ है, सीजर्स कहने में लगे गया कैंचियां, लेकिन इसको कहते हैं कैंची। ट्राउजर्स पैंट, बाइनोकुलर्स दूरबीन, एस्पेक्टेलिस चश्मा, मैथमेटिक्स गणित, न्यूज समाचार, ये सब देखने में पढ़ने में लगेंगे प्लूरल हैं, बहुवचन हैं, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें यदि नए हैं, अन्यथा लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट अवश्य करें कि क्या आपको इसमें अच्छा लगा, क्या बुरा लगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।